चलो दोस्तों, देखते हैं हम लोग गूगल फॉर्म में प्रश्न पत्रिका कैसे बनाएंगे। इसके लिए हम पहले गूगल क्रोम में जाते हैं। गूगल क्रोम में जा कर के यहाँ लिखेंगे गूगल फॉर्म, गूगल फॉर्म। यहाँ पे लिख के आ गया मेरे मोबाइल में गूगल फॉर्म क्रिएट, ऐसा लिखना है आ जाएगा। अब यहाँ जाएंगे देखेंगे ऐसा खुल जाएगा, तो हम जाएंगे गूगल फॉर्म्स क्रिएट एनालिसिस, इसको खोलेंगे तो हमें इस तरह से दिखाई पड़ेगा। गो टू गूगल फॉर्म्स, हम इसमें चले जाएंगे तो इस तरह से हमें गूगल फॉर्म्स खुल जाएगा। अनटाइटल फॉर्म, यहाँ पे हम टाइटल देंगे यानी फॉर्म्स का नाम देंगे। हाँ, लिख दिया यहाँ पे, स्कूल का भी नाम लिख सकते हैं, जो भी लिखना है यहाँ पे लिख सकते हैं। मैंने लिख दिया न्यू वर्सोवा हिंदी स्कूल, इसको हम बाद में लिखेंगे, ऊपर वाले पे लिखेंगे अनटाइटल, यहाँ पे बड़ा आएगा। नीचे वाले में डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, न्यू वर्सोवा हिंदी स्कूल। हो गया, अभी और कुछ बढ़ाना है सब्जेक्ट वगैरह तो लिख सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट, चाचड़ी परीक्षा, जो भी लिखना है इसमें लिख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं यहाँ पे जो भी अपना लिखना है, चाचड़ी परीक्षा जो भी लिखना है लिख सकते हैं। चाचड़ी परीक्षा जो भी लिखना है यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे नाम, टाइटल्स में जो भी लिखना है अपने हिसाब से आप सेटिंग कर सकते हैं। हो गया, अब यहाँ पे हम अनटाइटल क्वेश्चन आया, यहाँ पे हम बच्चों का नाम लिखवाना चाहेंगे तो यहाँ पे जाएंगे लिखेंगे छात्र छात्रा, या इंग्लिश में जो भी, हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में, जो भी लिखना है वो लिख सकते हैं। हमने लिख दिया छात्र छात्रा का नाम। अभी जो है यहाँ पे शार्ट आंसर यहाँ पे लिख के आएगा, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऐसा खोलेंगे तो शार्ट आंसर पैराग्राफ मल्टीपल चॉइस, तो नाम हमेशा शार्ट आंसर में रहेगा, नाम हमें शार्ट आंसर में चाहिए तो इसको हम शार्ट आंसर में लिखेंगे। इधर से जाके कुछ जो भी लिखना है यहाँ पे लिख सकते हैं। अब इसके आगे हमें और चाहिए तो ये प्लस वाला बटन दबाएंगे तो दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा। मान लीजिए हमें कक्षा भी लिखना है तो कक्षा लिख सकते हैं, यहाँ पे कक्षा लिख दिया। अब यहाँ से हम शार्ट आंसर ले लिए, इसके लिए भी शार्ट आंसर का, तो चूँकि ये लिखना है शार्ट आंसर होना चाहिए। अब हम इसको सेटिंग थोड़ा कर लें, क्वेश्चन चाहिए अब लिखना हमें तो हमें सेटिंग करना पड़ेगा। हम पहले भी सेटिंग कर सकते हैं या सब लिखने के बाद भी सेटिंग कर लेंगे तो हमारा जो है ऐसा। आप जाएंगे तो ये तीन बिंदी है, इसको टच करेंगे तो ऐसा सेटिंग लिख के आएगा। सेटिंग में देखेंगे तो इधर सेटिंग से प्रेजेंटेशन क्विजेस, तो इस तरह से हमको ये जनरल है प्रेजेंटेशन है तो हमें क्विज में जाना है। क्विज में चले गए, यहाँ पे क्विज के नीचे ये जो ऐसा दिख रहा है इसको सबको चालू कर देंगे, तो यहाँ पे लिख के आया है रिलीज ग्रेड इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन, यानी बच्चा जैसे ही क्वेश्चन को सबमिट करेगा उसको आंसर
मिल जाएगा, उसके मार्क्स बता दिए जाएंगे। यहाँ रिस्पॉन्डेंट कैन सी मिस्ड क्वेश्चन, करेक्ट आंसर, पॉइंट वैल्यू। इसमें से अगर आपको नहीं चाहिए तो करेक्ट आंसर अगर आप नहीं बताना चाहते तो इसको हटा दीजिए, चाहिए तो यहाँ पे लिख सकते, इसे रहने दीजिए। क्विजेज हो गया, अब इसको सेव कर दीजिए। सेव हो गया, अब यहाँ पे हम क्वेश्चन बढ़ाना है, हमें क्वेश्चन लिखना है तो ऐड करेंगे। ये जो है ऊपर चला गया, नाम नीचे हो गया, तो इसको हम नीचे भी ला सकते हैं, इसको इस तरह से नीचे ला सकते हैं। अभी नीचे हो गया, छात्र छात्रा का नाम कक्षा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 2 जो भी लिखना है लिख सकते हैं, लिख दिया। प्रश्न प्रश्न लिख दिया हमने, 1 2 जो भी लिखना है। प्रश्न 1 में जो भी लिखना है, हमारे देश का नाम क्या है, हमारे देश का नाम क्या है, क्या है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन। अब इसके लिए हमें ऑप्शन देना है बच्चे को, 3 4 जितना भी देना है। ऑप्शन नंबर 1 पे जाइए और यहाँ पे लिख दीजिए जो भी लिखना है। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, लिख दिया पहले में। अभी जो ऑप्शन नंबर 2 में जाइए, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र लिख दिया। ऑप्शन नंबर 3 में जाइए, हम सही उत्तर एक ही जगह लिखेंगे, बाकी में गलत लिखेंगे। हमने लिख दिया भारत, भारत। 3 उत्तर हो गए, 4 भी कर सकते हैं, 3 हो गए। अब हमको इसको क्या करना है, सही उत्तर इसमें हमें लगा के रखना है। तो ये सही वाला निशान को टच करेंगे, कितने पॉइंट्स का इसको रखना है वो पॉइंट्स यहाँ डाल देंगे, 2 1 जो भी रखना है पॉइंट्स डाल दिया। अब यहाँ पे सही उत्तर को ऐसा टच कर देंगे और डन कर देंगे, ये हमारा सेव हो गया। जब इसको बच्चे करेंगे तो ऐसा उनको सही उत्तर करेंगे तो मार्क्स मिलेगा, नहीं तो गलत बताएगा। अभी हमें हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन बढ़ाने और लेने के लिए हमें प्लस पे जाना है। प्रश्न नंबर 2 लिख लेंगे, प्रश्न प्रश्न दो, इसको अपने हिसाब से जो भी करना है कर सकते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, हमारे देश के प्रधान मंत्री का नाम क्या है। क्या है, लिख लिया हमने, सम्मान भी लगा लिया। अभी यहाँ पर हमको मल्टीपल चॉइस का ही रखना है, अगर चेंज हुआ तो मल्टीपल चॉइस इसको कर देना है। यहाँ पे ऐसा करेंगे सब दिखता है, तो मल्टीपल चॉइस वाला ही रखना है। ऑप्शन नंबर 1 में
पे सही गलत जैसे लिखना है लिखिए यहाँ पे। तो अभी यहाँ पर लिख सकते हैं, सही भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, गलत भी लिख सकते हैं, जहाँ जितना जिस नंबर पे सही उत्तर देना है दे सकते हैं। तो यहाँ पर लिख दे सकते हैं फड़नवीस, फड़नवीस राजनाथ सिंह सिंह। हमें तीन चार ऑप्शन दे करके इसमें सही डालना है। तो यहाँ लिख दिया नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी सही है, तो यहाँ पे जाके टिक करेंगे। यहाँ पे हमने 2 मार्क्स दे दिया, सही उत्तर को ऐसा कर दिया, डन कर दिया। अब ऐसा हो गया। इस तरह से हम 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन जितना भी है इसमें प्लस करते जाएंगे और बढ़ाते जाएंगे। अब हमारा मान लीजिए हो गया क्वेश्चन, तो हमको क्या करना है इसको हम इसका प्रीव्यू ले लेंगे। प्रीव्यू ले लेंगे तो कैसा दिखेगा, इस तरह दिखेगा, छात्र छात्रा का नाम कक्षा ऐसा दिखेगा। और अभी प्रीव्यू हो गया, अब इसको कर देंगे, वापस आ गए वहीं पे। अभी ऊपर हमारा अनटाइटल ही दिख रहा है, अब इसको जो है छोड़ देंगे। तो ये जो है ऊपर कॉपी हो गया, नाम पहुंच गया ऊपर भी। अभी हमें क्या करना है कि हमें व्हाट्सएप पे भी चला जाए, इसको हटा देंगे। ये जो है इस तरह से टच करेंगे तो इस तरह से खुल जाएगा। इसमें बीच में जो ये चैन जैसा दिख रहा है इस पे आ जाएंगे, इसको लिंक बोलते हैं। अब यहाँ पे लिंक आ गई, इसका लिंक हमें जहाँ भेजना है भेज सकते हैं। अब यहाँ पे हमको बड़ा लिंक नहीं चाहिए, छोटा लिंक चाहिए, हम यहाँ पे ऐसा टिक कर देंगे। छोटा लिंक हो गया, कॉपी लिखा हुआ है कॉपी कर लेंगे, भी कॉपी हो गया। अब हमें व्हाट्सएप पे इसे भेजना है, चले जाएंगे व्हाट्सएप पे। ना व्हाट्सएप खोल लिए, मेरा व्हाट्सएप खुद का यहाँ है, तो एक अपनी व्हाट्सएप पे मैं ऐसा पेस्ट कर दूँगा। अभी ये पहले का आ रहा है कुछ है। तो ये गड़बड़ हो रहा है पहले का। पहले का कुछ है, चलो फिर से हम उसको कॉपी करते हैं, क्योंकि ये शायद बराबर नहीं हुआ। तो यहाँ गए और ये हम लोग इसमें चेन में जाएंगे, शॉर्ट यूआरएल कॉपी हो गया ऐसा। अब व्हाट्सएप पे जाएंगे, आ जाएगा पेस्ट कर देंगे। ऐसा थोड़ा देर रुकेंगे तो ये पूरा हो जाएगा, जल्दीबाजी करेंगे तो ये नहीं आएगा, थोड़ा देर में रुक के करेंगे, ऐसा आ गया। अब जो है ये हमारे व्हाट्सएप पे आ गया। अब ये जिसको भेजना है भेज सकते हैं, जो करना है कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख खुद का भी हम टेस्ट लेके कैसे हम एग्ज़ाम दे रहे हैं देखो। अब यहाँ पे हमने नाम लिख दिया राम, हिंदी इंग्लिश कुछ भी जो लिखना है लिख दिए, कक्षा लिख दिया,
अब इसमें से तीन प्रश्न है, एक उत्तर देना है, मैंने लगा दिया उत्तर। दूसरा क्या है, ये भी लगा दिया, सबमिट कर दिया। अब हमारा स्कोर कैसे मालूम होगा? बी स्कोर में हम चले जाएंगे, हमें दिखेगा मार्क्स हमारा 4 में से 4 सही है। हाँ, ये दिख गया। हाँ, अभी ये हो गया, बच्चे ने किया है उसको हो गया। अब मान लीजिए कि टीचर को चेक करना है, तो टीचर कैसे चेक करेगा? ये जो है इसको खोलेगा, ऐसा खोलने के बाद एक पेन जैसा दिखता है। अभी पेन को खोलेंगे तो यहाँ पर लिख के आता है क्वेश्चन रिस्पांस, तो रिस्पांस पे चले जाएंगे। रिस्पांस पे जाने के बाद हमें समरी दिखता है, ऐसा ऐसा ये चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन वाइज मार्क्स चेक करना है तो क्वेश्चन पे चले जाएँ, तो हर बच्चे का देखना है तो इंडिविजुअल पर जाएंगे। इंडिविजुअल पर देखेंगे हर तो देखेंगे कौन बच्चा है, उसका नाम दिखेगा, कितना मार्क्स पाया है वो दिखेगा, कैसा किया है उसका पूरा सब ऐसे दिखता है। तो इस तरह से हम उसको चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है आपका गूगल फॉर्म हो गया। इस तरह से आप गूगल फॉर्म बना सकते हैं।